नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम IIT JEE 2015 में एक क्वेश्चन तो पूछा गया था आपका स्टेप पोटेंशियल से, उसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और हो सके तो इस वीडियो में हम जो कॉम्पटन इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था NED टाइप में, उस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो देखिए, जो IIT JEE 2015 में क्वेश्चन था, IIT JEE 2015 में स्टेप पोटेंशियल पोटेंशियल स्टेप ये क्वेश्चन था MSQ में, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या क्वेश्चन क्या था, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, MSQ टाइप क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार रीड करता हूँ, आपके पास जो क्वेश्चन की PDF है वो तो होगी शायद। अब देखिए क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में कह रखा कि ए पार्टिकल इज़ मूविंग इन टू डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। तो ये जो क्वेश्चन है वो है पोटेंशियल वेल का, जिसमें आपको पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल गिवन है XY, जीरो है, पोटेंशियल जीरो है जब जीरो एक्स की वैल्यू जीरो से एल, एंड वाई टू एल। ये हमें पोटेंशियल, इसमें जीरो रीजन, इस रीजन में जीरो है और इनफाइनाइट है अदर। उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है पोटेंशियल दिया, उसके जो क्रॉसपोंडिंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड जो वेव फंक्शन आएगा, आपको एक तो एनर्जी बतानी है, एक एनर्जी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और एक इसका वेव फंक्शन। तो ये आपको बताना है कि क्या होगा। अब देखिए गिवन क्या क्या है, हमें एक तो हमें जो पोटेंशियल है वो 2D में दिया, अब हमें एनर्जी है वो भी 2D की यूज़ करनी होगी। अब देखिए जो हमारी एनर्जी होती है वो हम 1D, 2D और 3D, 1D और 2D की दोनों के लिखेंगे, उसके बाद हमें 2D में यूज़ करना है। तो देखिए एनर्जी होती है वो होती है हमारी पाई स्क्वायर या एन स्क्वायर, पाई स्क्वायर HKT स्क्वायर अपॉन 2mA2। यह है लेंथ ऑफ द जो हमारी वेल है उसकी, और नंबर है किस स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया कि पोटेंशियल वाल है, यदि ये बात करता हार्मोनिक ऑसिलेटर की, हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो n की वैल्यू होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। और जो हमारा इसके अलावा पोटेंशियल वेल हुआ, इसमें n की वैल्यू होती है हमारा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। अब देखिए ये है 1D की एनर्जी, 1D की एनर्जी होगी। अब एनर्जी 2D की कितनी होगी, पाई स्क्वायर एसकट 2mA2। हम बात करें जब जो हमारा वेल है उसकी लेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ है वो अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो NX² प्लस NY², यहीं इसी तरह लिखे हैं हम इसको, NY² प्लस NX² NY² π² HKT² अपॉन 2m। जब हमारी लेंथ a है तब A² ये हो गया, ये एनर्जी है 2D की। तो हमें यहाँ पर 2D दिया हुआ है कि टू डायमेंशनल पोटेंशियल वॉल इज गिवन, और उसका हमें पोटेंशियल गिवन है। तो अब इसके क्रॉसपोंडिंग हमें एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगी इक्वल्स टू π² HKT² एंड n की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 पुट की है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी। तो 1 2m A² एक की जगह लेंथ ऑफ द विड्थ जो हमारी वेल है उसके लिए जो लेंथ है वो कितनी है l, तो L² प्लस π² HKT² 2m। अब ये तो एक्स की होगी, ये वाई की,
तो वाई की है लेंथ है वो है 2L का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर 2ML स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर ये 4 8ML स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 8 LCM ML स्क्वायर, तो ये 4 पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर, तो ये आएगा 5 बाई 8 पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर 1ML स्क्वायर। ये आपके पास आ गई एनर्जी, एनर्जी जो आई हमारे पास वो आ गई है 5 बाई 8 पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर अपॉन ML स्क्वायर। ये तो आ गई हमारी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। अब हमें ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन भी फाइंड करना है। अब देखिए ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या होगा, जो वेव फंक्शन होता है उसकी कुछ देखिए पहले ऑप्शन से बात करते हैं, ऑप्शन के बारे में क्या कहा गया। अब देखिए जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, √2 / a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, यहाँ पर ए है ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉक्स है, ये है जब एन की वैल्यू हमारे पास 1 2 4 6 ये हो, और ये लेकिन ये तो केस अलग अलग केस के लिए होता है। यहाँ पर हमें 0 to L दी हुई है, लेंथ 0 to L है, तो जब आपको 0 से L 0 से 2L ये गिवन हो तब तो आप साइन वाला यूज करोगे। अब देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं इसके ऊपर। अब देखिए ये हमारी जो वेल है, जो वो है वेदी सिमेट्रिक हो, एक होता है सिमेट्रिक, ये तो मान लीजिए ये है सिमेट्रिक जब -a to a और जीरो हमारा इनसाइड हो, ये सिमेट्रिक। और एक होता है एसिमेट्रिक ये होता है जब हमारा जीरो किसी एंड पॉइंट पर हो, और ये लेंथ ऑफ द बॉक्स ए हो ए या 2a कुछ भी हो। तो इस केस में जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो होता है √2 / a लेंथ ऑफ द बॉक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, एन पाई एक्स अपॉन ए ये तो होता है इस केस में, लेकिन ये होता है हमारा एसिमेट्रिक और ये होता है सिमेट्रिक केस। इसमें जो हमारा वेव फंक्शन है वो हम दो तरीके से लिखते हैं, एक होता है जब एन हमारा ऑड हो, एक होता है एन हमारा जब इवन हो। इवन जैसे ऑड के लिए ऑड 1 1 3 5 एंड सो ऑन, इसके लिए जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो कुछ इस फॉर्म का होता है, लेंथ ऑफ द बॉक्स यहाँ पर क्या है -a to a है, लेकिन जो बॉक्स की लेंथ है वो है a, तो 1 / √2 / a cos n पाई x अपॉन लेंथ ऑफ द बॉक्स, यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। और जब हमारी n की वैल्यू इवन हो 2 4 6 इसके लिए जो हमारा वेव फंक्शन लिखा जाता है वो होता है √2 / a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, यहाँ पर ए है लेंथ ऑफ द बॉक्स। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन था उसमें 0 से L और 0 से 2L, यानी कि जो हमारा कुछ इस तरह का पोटेंशियल जो वेव है वो कुछ इस तरह की थी, तो हमारा वेव फंक्शन क्या होगा
रूट टू अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ये है 1D के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर बात करनी है 2D के लिए। तो अब हम वेव फंक्शन लिखेंगे अपना, ये एक मोस्ट कॉन्सेप्ट, आप इसको याद रखना, जब हमारा पोटेंशियल वेल दी हुई है सिमेट्रिक हो तब हम इसका जो वेव फंक्शन है वो दो तरीके से लिखा जाता है, जब n इवन हो, जब n ओड हो, ओड हो तो कोस का फंक्शन आता है, और जब इवन हो तो यहाँ पर साइन आता है, और जब एसिमेट्रिक हो तो हमारा जो वेव फंक्शन होता है कुछ इस फॉर्म का होता है, रूट टू अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। अब देखिए यह है 1D के लिए, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें कहा गया है कि 2-डाइमेंशनल पोटेंशियल वाले, अब देखिए वेव फंक्शन तो ये कुछ इस फॉर्म का होता होगा, तो एक्स पहले बात करते हैं, एक्स के लिए तो रूट टू अपॉन ए लेंथ ऑफ द बॉक्स एल एक्स में साइन, यहाँ पर बात की गई है 1 के लिए, क्वेश्चन में देख लेते हैं आपको क्या कहा गया 1 के लिए या 2 के लिए, तो ये है ग्राउंड स्टेट यानी कि 1, ये ग्राउंड स्टेट, तो साइन पाई एक्स अपॉन ए की जगह एल इंटू इंटू क्या होगा 2D के लिए, तो 2D वाला क्या होगा रूट टू अपॉन लेंथ ऑफ द बॉक्स 2L, ये है वाई, ये है एक्स की लेंथ, एक्स में एल लेंथ और ये है वाई में लेंथ, अब लिखेंगे वो साइन पाई वाई अपॉन 2L, तो क्या होगा यहाँ से कैंसिल आउट, तो रूट टू ए 1/√L और यहाँ से 1/√L, तो क्या हो जाएगा एल साइन पाई एक्स अपॉन एल साइन पाई वाई अपॉन 2L, तो ये हमारा वेव फंक्शन आ गया ग्राउंड स्टेट का, और ये हमारी एनर्जी आ गई। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है, ये मल्टीपल चॉइस MSQ टाइप था, तो इसमें दो क्वेश्चन, दो जो हमारे ऑप्शन थे वो करेक्ट हो सकते थे। अब देखिए जो हमारी एनर्जी है, ऑप्शन देखिए ऑप्शन यहाँ पर शायद आपको दिख जाएंगे, यहाँ ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में कहा गया एनर्जी इवन है h² पाई स्क्वायर अपॉन mL², ऑप्शन बी है एनर्जी ग्राउंड स्टेट की वो है 5h² पाई स्क्वायर अपॉन 8mL², ऑप्शन सी में कहा गया कि जो हमारा ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन होगा वो होगा रूट टू अपॉन एल साइन एन एक्स अपॉन एल साइन एन वाई अपॉन 2L, और जो हमारा ऑप्शन था डी था उसमें जो हमारा ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन था उसमें कुछ कोस की टर्म थी रूट टू अपॉन एल कोस एन पाई एन एक्स अपॉन एल कोस फाइव बाई अपॉन 2L। देखिए हमारी एनर्जी कितनी आ रही है 5/8, और जो हमारा वेव फंक्शन है वो रूट टू अपॉन है साइन का फंक्शन है, तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी और सी करेक्ट होगा। तो ये था MSQ टाइप क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्टन इफेक्ट पे, और ये था NET टाइप का क्वेश्चन, तो देखिए उस क्वेश्चन को भी इस वीडियो में हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या उसका सॉल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं NET टाइप में था, एक कौन से, हाँ NET टाइप में था, इसमें कहा गया है कि अक्षरे ऑफ वेवलेंथ, हमें जो अक्षर अक्षर है उसकी वेवलेंथ दी हुई है 0.24 नैनोमीटर, उसके बाद कहा आर कॉम्प्टन स्कैटर्ड एंड द स्कैटर्ड बीम इज ऑब्जर्व एट एंगल 60 रिलेटिव टू द इंसिडेंट बीम। तो ये जो क्वेश्चन है वो है कॉम्प्टन इफेक्ट का, हम जानते हैं मान लीजिए कोई हमारी इंसिडेंट वेव है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ओवरेस्ट में, ये इस पर इसको हिट करती है, उसके बाद ये जो हमारी इंसिडेंट वेव थी
वो कुछ एंगल थीटा पर स्कैटर्ड हो जाती है, ये स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड स्कैटर्ड वेव। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एंगल फाई पर स्कैटर्ड हो जाता है। जो हमारी इंसिडेंट वेव है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। उसके बाद क्या कहा कि जो एंगल थीटा है वो हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है द कॉम्प्टन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द कॉम्प्टन वेवलेंथ, हमें कॉम्प्टन वेवलेंथ लैम्डा सी की वैल्यू दी है 0.00243 नैनोमीटर। उसके बाद कहा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की, जो ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जा रहा है उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ये बतानी है इलेक्ट्रो वोल्ट में। देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करोगे, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है, आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एनर्जी ई थी और उस स्कैटर्ड होने के बाद एनर्जी ई प्राइम की तरफ जा रही है, हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो स्कैटर्ड होने से पहले की एनर्जी और स्कैटर्ड होने के बाद की एनर्जी, हम जब इनको इक्वल करेंगे तो देखिए ई इक्वल्स टू ई प्राइम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी, वो आएगी हमारे पास ई माइनस ई प्राइम, ये आ रही है। अब देखिए ई की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं ई होती है, ई की वैल्यू होती है हम जानते हैं ई इक्वल्स टू डी ब्रोगली, नहीं डी ब्रोगली नहीं, ई इक्वल्स टू एच न्यू, और एच न्यू की जगह लिख सकते हैं न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा, और ई प्राइम क्या होगा एच सी अपॉन लैम्डा प्राइम। ओके यहाँ पर लिखेंगे हम एच सी को कॉमन ले लेंगे, एच सी वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा प्राइम। अब देखिए यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू तो पता है लेकिन लैम्डा प्राइम की वैल्यू नहीं पता, लेकिन क्योंकि जो हमारे कॉम्प्टन जो वेवलेंथ है उसकी ही वैल्यू। अब देखिए जो हमारा हमें पता है शिफ्ट इन कॉम्प्टन वेवलेंथ वो कितना होता है, डेल्टा लैम्डा होता है, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा सी वन माइनस कोस थीटा। यहाँ पर लैम्डा प्राइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा प्राइम कितना होगा लैम्डा प्लस लैम्डा सी वन प्लस वन माइनस कोस थीटा, एंगल कितना नहीं हुआ 60 डिग्री, तो लैम्डा प्लस लैम्डा सी, यह है लैम्डा सी कॉम्प्टन वेवलेंथ, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 यह एंगल है थीटा, स्कैटर्ड एंगल ऑफ वेव इंसिडेंट वेव। उसके बाद लैम्डा प्लस लैम्डा सी वन माइनस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो लैम्डा प्लस लैम्डा सी 2। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, इंसिडेंट वेव की जो वेवलेंथ है वो दी हुई है हमें 0.24 नैनोमीटर, और लैम्डा सी है 0.00243 डिवाइडेड बाय 2 नैनोमीटर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए ये कितना आ रहा है, अब जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेट 0.212412 नैनोमीटर लैम्डा प्राइम की वैल्यू होगी। अब लैम्डा प्राइम की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे लैम्डा लैम्डा प्राइम की, तो एच सी की वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रोवोल्ट नैनोमीटर, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ है 0.24 माइनस नैनोमीटर हमने कॉमन ले लिया, माइनस 0.2412 नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो गया, शायद आपको ये नीचे वाला नहीं दिख रहा, इसको ऊपर करते हैं आपको ये तो आ गया समझ में, देख लीजिए देखिए हम यहाँ पर इसको
इधर करते हैं, ये आ गया जो ये आपको ये भी नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एच सी की वैल्यू थी 1240। आप इसको याद रख सकते हैं, 1240 इलेक्ट्रोवोल्ट नैनोमीटर, और नैनोमीटर नीचे से कॉमन लिया। उसके बाद लेमडा की वैल्यू, 1/λ की वैल्यू गिवन हमें 0.24, माइनस लेमडा प्राइम की वैल्यू हमने निकाली थी 0.2412। तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, तो 1240 इलेक्ट्रो वोल्ट। और आप इसको सोल्व कर लेना। उसके बाद जब आप ऑप्शन ये एनर्जी जो इलेक्ट्रो वोल्ट में आएगी वो आएगी 24.75 इलेक्ट्रो वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई आपके पास इतनी। तो जब आप इसको राउंड अप करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास 25 इलेक्ट्रो वोल्ट। तो ये इसका आंसर हो गया। होप करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन था वो समझ में आया होगा। कि मान लीजिए कि कोई हमारे पास इंसिडेंट वेव है जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन थी लेमडा। उसके बाद जो ये वेव है ये किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होती है। तो जो हमारी वेव थी वो कुछ एंगल थीटा पर स्कैटर्ड हो जा रही, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एंगल फाई पर स्कैटर्ड हो जा रहा है। जो हमारा काइनेटिक इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी है हमने यहाँ पर के मान लिया, और जो वेव स्कैटर्ड हो जा रही उसकी काइनेटिक एनर्जी ई प्राइम होगी। यहाँ पर एनर्जी ई थी लेकिन यहाँ पर उसकी एनर्जी ई प्राइम होगी। यहाँ पर जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। और अंत में आपको जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो अप्रोक्सीमेट 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगी। तो होप करते हैं आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आएंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।